नमस्कार, सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स। सो लास्ट टॉपिक में जैसा बात कर रही थी मैं, आई एम सॉरी ड्यू टू सम इनकन्वीनियंस, ये वाला सेकंड पार्ट है जो मैं लास्ट वाला कंप्लीट नहीं कर पाया था। सो मैं ये बात कर रही थी कि सलमान जी, द फेमस सलमान खान जी, टाइगर खान जी, वो जो हम मैं बता रही थी कि बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट भी पहनना है, उनको दारू पी के हल्ला भी करना है, लोगों का करियर सर बर्बाद करना है। इवन सुशांत सिंह को थ्रेट कॉल्स मिलता था, जिसके वजह से अभी तक उसका राज पता नहीं चला कि क्यों उन्होंने 52 सिम्स इन अ मंथ चेंज किया था। के सिंह जी, जो सुशांत जी का पापा है, उन्होंने खुद ये बताया कि मेरे बेटे ने 52 सिम्स चेंज विद इन अ मंथ। क्यों भाई सलमान जी, हम लोग को ना आपका जो रियल वो जो थोबड़ा है ना, वो पता चल गया आप कैसे इंसान हो। एंड आई कैन गिव डैम एश्योरेंस कि इफ आई लीव दिस वीडियो, अगर मैं ये वीडियो छोड़ू और अगर मैं खुद ये फाइट कर, जब मैंने फाइट करना शुरू किया है आज से, इनफैक्ट बहुत दिन पहले से मैंने फाइट करना शुरू किया था, बाय पोस्टिंग एंड शेयरिंग पोस्ट एंड रिगार्डिंग एवरीथिंग, बट वीडियो मैं आज से चालू कर रही हूँ। मेरे को पता है मेरे को भी थ्रेट्स मिल सकता है, मेरा भी जान का खतरा हो सकता है अगर मेरा वीडियोस वायरल हुआ, या वायरल नहीं भी, अगर वायरल का मैं आशा ही नहीं रखती हूँ, मैं ये इंटेंशन से वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन अगर पीपल ने इस वीडियो को देखा, अगर लोगों ने इस वीडियो को प्रूफ के हिसाब से स्प्रेड किया, आई एम श्योर यू विल ऑल्सो थ्रेट मी ऑल्सो फॉर माई लाइफ, बट आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट स्केयर ऑफ माई लाइफ। मैंने अपना लाइफ में कुछ कर सकूँ ना सकूँ, लेकिन वो जो इंसान जिसका कोई दोष नहीं था, कैसे मतलब हाउ, मतलब आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग ये सब करके, भाई जन्मे हो, पैसा है, जाना कब्र में है कफन लेके, या तो जल के ही आपका बॉडी राख होगा, तो क्यों ये सब करना है आपको। एनीवेज विद फर्दर ड्यू मैं ये टॉपिक में बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, सुशांत सिंह को कैसे मारा गया था ये भी अभी प्रूफ आ चुका है। मैंने न्यूज में पढ़ा था नॉट ओनली बाय सीइंग अनुराग बिस्ट वीडियो यस्टरडे, बट आई ऑल्सो हैव रिसर्च इन द न्यूज, आई विल टैग दैट पिक्चर, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। सो डॉक्टर्स ने भी इनफैक्ट कहा है कि उनका जो लेफ्ट ये हिस्सा है ना, हम लोग का लेफ्ट बॉडी का हिस्सा उनका पैरालाइज था, प्लस न्यूज में हम लोग देखा था कि उनका जो बॉडी था, उनका बॉडी जो ऐसा पोजिशन में था, डेड बॉडी जब होता है इट्स लिटरली लेड इन अ स्ट्रेट पोजिशन, बट ही वॉज लाइक दिस, मतलब उनका कुछ कुछ पिक्चर्स में आप देख पाओगे, मैं वो पिक्चर्स नहीं दिया, लेकिन आप अगर ट्विटर में देखोगे या उनका कोई भी पोस्ट में, वो हमेशा ऐसे करके सोते थे, कोई कोई पिक्चर्स में ऐसे पोज देते थे सो के, ऐसे इन द साइड पोजीशन जैसे हम लोग सोते हैं। सो अगर एक डेड बॉडी है, वो ऐसा क्रम्बल करके क्यों रखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इफ ही वर रियली डेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वाई विल हिज फिंगर्स मूव, ऐसा ऐसा उनका फिंगर्स मूव क्यों होगा, या तो वो अनकॉन्शियस माइंड स्टेट में था, या तो वो बेहोश मतलब ही अनकॉन्शियस है, सेकेंडली या तो उनको जानबूझ के ऐसा कुछ किया गया था, या तो पैरालाइज किया गया था, या तो उनका ड्रिंक्स जो सुबह में उन्होंने जूस लिया था उसमें कुछ मिलाया गया था, ये बात है। और सेकेंडली जो रिसेंट जो प्रूफ है, स्टन गन आप लोग को अगर पता ना हो मैं बता देती हूँ, इट्स अ गन जस्ट नॉट लाइक अ नॉर्मल गन, इट्स यूज इन द लाइक आईसीयर रीजन्स टू किल पेंगुइन और सम लाइक पोलर बियर्स और कुछ कुछ प्राणियों को मारने के लिए, पैरालाइज करने के लिए, ऐसा गन पॉइंट करके ऐसा शूट करने से, वो जहां पे आप पॉइंट करके शूट कर रहे हो दैट पार्ट बिकम्स पैरालाइज विद एन इलेक्ट्रिक शॉक। सो सुशांत सिंह का जो डेड बॉडी पिक्चर जो वायरल हुआ था व्हेन ही डाइड, सो वो पिक्चर्स आप खुद, मैं वो अटैच नहीं करना चाहती हूँ, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट वांट टू अटैच दैट पिक, दैट्स रियली वेरी सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग, आप खुद देख लेना जाके। यहाँ पे ये जो ये स्ट्रैंगुलेशन, यहाँ पे एक रेड मार्क होगा, यू कैन सी इन द पिक, आप खुद देख लेना, मैं अटैच नहीं किया हुआ, आई एम जस्ट सेइंग यू, ये जो स्ट्रैंगुलेशन मार्क इधर था, डैम श्योर एवरीवन नोस, पूरा नेशन जानता है, मैं भी जानती हूँ, इट्स नॉट अ सुइसाइड। हिज हाइट वॉज नियरली 6'12" जो 1.73 सेंटीमीटर या कुछ होता है, आप देख लेना एक बार, वो 5'12" का हाइट था उनका, 6'1". सो एक 6'1" का बंदा कभी भी एक लोअर लेवल, या मतलब मान लीजिए ठीक है लोअर लेवल से सुसाइड कर सकता है, लेकिन मान लीजिए बेड इतना ऊंचा है, ठीक है, फर्स्ट जून का बेड का पिक्चर्स अगर आप देखोगे इन नेट, सो इट्स लिटरली इज बेड इज लाइक दिस, ऊंचा था, ऊंचा होने से कैसे उनका पैर और फैन का डिस्टेंस में उनका पैर ऐसे नहीं होके, ऐसा कैसे था। डेड बॉडी का पिक्चर्स इफ यू सी वेरी केयरफुली विच यू कैन फाइंड इन द इंटरनेट, हिज फीट इज नॉर्मल था, क्योंकि सुसाइड करने से फर्स्ट ऑफ ऑल ये टंग हम लोग का बाहर आता है, ठीक है, फिर लाल जो हम लोग का फिज है वो गिरता है, फिर पैर ऐसे होता है, बिकॉज सुइसाइड इज समथिंग जो हैंगिंग से सुइसाइड होता है, द लेग्स फेस डाउन टू अर्थ, नॉट लाइक दिस, दिस इज नॉट कॉल्ड, दिस इज नॉट प्रूव दैट ही हैज कमिटेड सुइसाइड। सो हाउ कैन यू से कि वो बंदा ने सुइसाइड किया है, ये तो टॉपिक ठीक है छोड़ दीजिए, लेकिन बेचारे को इतना बेरहमी से मारा गया,
भाई तुम लोग इंसानों के जानवरों के क्या हो यार, जानवर भी तुम लोग से बेहतर होगा। ही वॉज ट्रेंड इन मार्शल आर्ट्स फर्स्ट थिंग, और हाइट तो आप देखा ही होगा कितना तगड़ा बॉडी था, ही वॉज रियली फिट। 6 या 7 आदमी उनके लिए काम पड़ा, ठीक है, जब मारने गए थे, इसलिए दे यूज द स्टन गन। एंड लिटरली 3 हो 6 हो 8 आदमी हो, उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, बिकॉज ही वॉज फिजिकली ट्रेंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, एंड फॉर हिज बॉडी ही डिड एवरीथिंग टू ट्रेन हिमसेल्फ। सो वो लोग काम पड़ा तो स्टन गन यूज किया, प्लस एम्बुलेंस ड्राइवर ने जो बोला था उनका लेग, जो जो पैर है ना, 2 पैर टूटा हुआ था। क्यों भाई, भारी पड़ गया ना सुशांत सिंह तुम लोग पे, इसलिए उनको स्टन गन से पैरालाइज करके मार दिए। लेकिन जुर्म तो छुपता नहीं है ना, उंगली तो हिला था ना मरने से पहले, उनका उंगली हिल रहा था, फिर भी पुलिस तो ऑफकोर्स, पुलिस हम लोग का महान जनता का पुलिस करप्ट तो है ही, पैसा में तो बिकते ही हो आप लोग। सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट बुलशिट, बट इतना मैं कह सकती हूँ कि अगर उस टाइम सुशांत को लीलावती हॉस्पिटल के जगह कूपर हॉस्पिटल नहीं ले जाकर अगर लीलावती हॉस्पिटल में लिया जाता ना, जो उनका बैंड्रा होम से काफी पास में था, तो शायद उनका जान बच सकता था। एंड वाई ओनली कूपर हॉस्पिटल, क्यों कूपर हॉस्पिटल में क्या है, मैं बताती हूँ क्या है। ये जो हॉस्पिटल है ना, या तो ये माफिया का अंडर में ये लोग पैसा खाते, जो बी टाउन माफियाज है ना, लाइक सलमान खान, देन मेनी अदर माफियाज लाइक महेश भट्ट, दैट बूढ़ा बॉयफ्रेंड ऑफ रिया चक्रवर्ती। सो दे आर इधर रनिंग द हॉस्पिटल और इधर दे आर मैनिपुलेटिंग द एविडेंसेस। फर्स्टली जिया खान 2013 में, फिर उससे पहले परवीन बाबी, फिर दिव्या भारती जी जो बहुत 1993 हाँ उस साल में गुजर गए थे, फिर अभी सुशांत। क्यों भाई, कूपर हॉस्पिटल ही क्यों ले जाना है आप लोग को, कूपर हॉस्पिटल में जाके ही क्यों? ये जो एविडेंसेस है, ये जो इतना तक जो मैंने बोला है आज के लिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग को पता चल गया होगा कितना क्या है, मैं और नए से कुछ बताना नहीं चाहती हूँ। बट हाँ, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई ब्रिंगिंग अप मोर न्यू प्रूफ्स, जिससे सच का सामना तो होगा ही। और मुजरिमो तैयार रहो, आई एम सुशांत, आई फाइट फॉर हिम बींग हिज वॉइस, एंड आई नीड जस्टिस, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। नमस्ते।